अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाने वाले हैं फ़िश फ्राई, और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, और स्पेशली जो फ़िश यूज़ किया है वो बहुत मेरी फेवरेट है। तो इसको देखते हैं कैसे बनाना है, पर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे सुरमई मच्छी, और उसको आप पीसेस में कट कर सकते हैं। हम लोग ने जिस तरीके से पीसेस में कट किया, आप उसी तरह से कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अलग स्टाइल में भी कट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग नमक लगा के रखेंगे कुछ देर, और उसके बाद में हम इस पे लेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और उसके बाद हम लोग 1 पूरा नींबू का जूस लेंगे, और 4 गार्लिक के या जो लहसुन के हैं उसको बारीक काट के वो डालेंगे, और उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून पानी, मतलब इस तरीके से ताकि वो अच्छी तरह से एक पेस्ट बन जाए, उतना पानी लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हम लोग इसको मच्छी पे लगाएंगे, और अच्छी तरह से लगा ले ताकि ये साइड में और ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, हर दोनों साइड पे लगाना है अच्छी तरह से। देखते हैं किस तरह से लगाया गया है, और उसके बाद में आप इसको मैरिनेट भी कर सकते हैं, कुछ देर छोड़ सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, आप 2 दिन के बाद इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप तभी के तभी इसे फ्राई करें, लेकिन ऑब्वियसली ताज़ी मच्छी लाए हैं तो ताज़ी मच्छी को तभी मैरिनेट करके आप फौरन के फौरन भी इसको तल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा आप इसे मैरिनेट करके रखें 10 मिनट, और उसके बाद में इसको डीप फ्राई या शैलो फ्राई, जिस तरीके से आपको इसको फ्राई करना है आप उसे फ्राई करें। दोनों साइड पे जब ब्राउन हो जाए तब आप इसे निकालें। और हम लोग ने यहाँ पे सुरमई मच्छी का इस्तेमाल किया है। इस डिश का जो मेन है वो है इसका जो मसाला, जो हम लोग ने मिक्सचर बनाया था जो इसके ऊपर अप्लाई किया था। तो आप लोग कोई और मच्छी भी यूज़ कर सकते हैं, सुरमई इज़ नॉट नेसेसरी, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं जैसा आपको लगे। ऐसे ही डिशेस लाते रहेंगे हम लोग, वेज रेसिपीज़ का भी और कोशिश कर रहे हैं कि लेके आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करें कि आप लोगों को ये डिशेस कैसी लग रही है और हमें बताएं। उसके बाद हम ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी बताई हुई रेसिपी हम लोग ज़रूर इस चैनल पर लेके आएँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। शब्बा खैर। शब्बा खैर।